ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हर परिस्थिति में हर समय साथ निभाती है। ज्ञान अगर आपके पास निरंतर बढ़ता चला जाए तो जीवन में कोई भी चुनौती आएगी आप उसका अच्छे से सामना अवश्य कर पाएंगे। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे सावन के महीने में नौ ग्रहों की शांति के लिए क्या विशेष उपाय करें, इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 28 जुलाई 2024 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम के 7:27 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र प्रातः 11:47 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे सावन के महीने में कैसे आप नौ ग्रहों की शांति कर सकते हैं भगवान शिव का पूजन करके। पंडित जी, सावन के महीने में कैसे शिव जी की आराधना करें, पूजन करें कि नौ ग्रहों से संबंधित जो भी परेशानियां हो वो शांत हो जाए? देखिए, सावन में ही नहीं, सामान्यतः भी भगवान शिव की पूजा से नव ग्रहों की शांति हो सकती है। कैसे? देखिए, भगवान शिव ही सृष्टि के नियंत्रक हैं। वैसे उन्हें संहार का अधिपति कहा जाता है, लेकिन तीनों ही चीजें उनके अंदर हैं, सृजन, पालन और संहार। शिव जी सृष्टि के नियंत्रक हैं। उनकी उपासना से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी ग्रह नक्षत्र को आसानी से शांत भी किया जा सकता है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसलिए सावन में थोड़ा सा प्रयास करके किसी भी ग्रह की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। छोटे छोटे उपाय हैं, जिन छोटे छोटे उपायों को अगर आप सावन में करें तो आप किसी भी ग्रह की समस्या को दूर कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सावन के महीने में शिव उपासना से कैसे ग्रहों से संबंधित बाधा को भी दूर किया जा सकता है। पंडित जी, अगर किसी को सूर्य ग्रह से संबंधित कोई परेशानी है तो सूर्य की शांति के लिए सावन में क्या करें? जानते हैं कि सूर्य की शांति के लिए सावन में क्या करें। इसके लिए रोज सवेरे जल में गुड़ मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें, और शिवलिंग पर इसके बाद गुड़हल का फूल अर्पित करें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये उपाय आप सावन में रोज कर सकते हैं, और अगर रोज ना कर पाए तो सावन के किसी भी रविवार को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं
तो सूर्य से संबंधित जो आपके जीवन में समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाद विवाद से सावधान रहें, संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सूर्य की शांति के लिए पंडित जी आपने बताया कि क्या करना चाहिए, अगर किसी को चंद्रमा से संबंधित परेशानी हो तो वो लोग सावन के महीने में क्या करें? अब ये जानते हैं कि चंद्रमा अगर परेशान कर रहा है, चंद्रमा अगर दिक्कत दे रहा है तो चंद्रमा की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करेंगे, दूध दही शहद शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं, उसमें जरा सा गंगा जल मिलाएं और ये पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद जल अर्पित करें और इसके बाद सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। सावन में ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पूरा सावन चंद्रमा का महीना है तो सावन में किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं और अगर ये प्रयोग आप सावन में कर देते हैं तो आपके जीवन से चंद्रमा की समस्या समाप्त हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रहों से संबंधित यदि कोई बाधा है वो भी सावन के महीने में शांत हो सकती है शिव उपासना से। पंडित जी, अगर किसी को मंगल ग्रह से संबंधित परेशानी है तो वो लोग क्या उपाय करें? अब जानते हैं कि मंगल को अगर शांत करना है तो मंगल की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करें। पहले शिवलिंग पर शहद अर्पित करें, उसके बाद जल अर्पित करें,
और इसके बाद लाल फूल, लाल पुष्प भी शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इसके बाद मंगल का एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और इसके बाद भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। सावन के किसी भी मंगलवार को एक बार अगर आप ये प्रयोग कर लें तो आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल, आपकी कुंडली का खराब मंगल शांत होगा और उसकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर बुध ग्रह की वजह से आपके जीवन में परेशानी है तो सावन के महीने में क्या करें? पंडित जी, बहुत सारे लोगों को बुध ग्रह की वजह से परेशानियां होती हैं, तो उन्हें क्या विशेष प्रयोग करना चाहिए सावन में? सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे, कम से कम 9 बेलपत्र, 11 बेलपत्र या 108 बेलपत्र। इसके बाद जल में गुलाब जल मिला करके सुगंधित जल की धारा भी शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। और इसके बाद जो बुध का बेसिक मंत्र है, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। ये प्रयोग सावन में किसी भी बुधवार को करिए। अगर आप सावन में किसी भी बुधवार को ये प्रयोग करते हैं तो बुध संबंधी समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा,
क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आगे ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है वो हम जानेंगे, और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आपके सवाल की बात कर लें, यदि आपके मन में सवाल है तो सबसे पहले अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें, वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें ममता रानी ने लिखा है, और ममता रानी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1978, जन्म का समय शाम के 5 बजे, और जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। ममता जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, कोई ना कोई सेहत की परेशानी मुझे परेशान करती रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो जाए? ममता जी, सबसे पहले आपको कहेंगे कि मार्च 2025 तक अभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। मार्च 2025 तक अभी आपका समय बहुत बेहतर नहीं है, इसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी और इसके बाद से आपकी बेहतर तरक्की भी हो पाएगी और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय आप करना शुरू कर दें तो आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 9 ग्रहों की शांति कैसे आप सावन के महीने में सरल उपाय के द्वारा कर सकते हैं। पंडित जी, अगर किसी को बृहस्पति से संबंधित परेशानी हो तो वो लोग क्या करें? अब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति समस्या दे रहा हो, कोई गंभीर रोग हो गया हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो बृहस्पति की शांति के लिए सावन में क्या करें? शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। शिवलिंग के चारों तरफ की जो वेदी है इस पर हल्दी लगाइएगा और इसके बाद ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा 108 बार, और इसके बाद भगवान शिव को पीली मिठाई का भोग लगाइएगा। सावन के महीने में किसी भी बृहस्पतिवार को, किसी भी गुरुवार को अगर आप ऐसा कर लें तो बड़ी सरलता से आपके बृहस्पति की शांति हो जाएगी और बृहस्पति आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं देंगे। छोटे से उपाय आपकी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सावन के महीने में एक छोटा सा उपाय बहुत लाभ दे सकता है। पंडित जी, अगर किसी को शुक्र ग्रह से संबंधित परेशानी हो तो वो लोग सावन में क्या करें? अब अगर शुक्र समस्या दे रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में दिक्कत है, आँखों में, किडनी में, यूरिन में समस्या है, शुक्र की परेशानियां बढ़ रही हैं, तो क्या करेंगे?
शिवलिंग पर बहुत जरा सा दूध, एक चम्मच दूध और जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सफेद सुगंधित फूल, सफेद सुगंधित फूल अर्पित करिएगा। और इसके बाद शुक्र का जो बेसिक मंत्र है, ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। सावन में किसी भी शुक्रवार को अगर आप ये प्रयोग कर लें तो आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ शुक्र, आपकी कुंडली का गड़बड़ शुक्र बेहतर होना शुरू होगा और शुक्र संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, नौकरी में कुछ बदलाव होता दिख रहा है, धन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सावन के महीने में शिव आराधना करके आप अपने जीवन में परेशानियां जो चल रही हैं उन्हें दूर भगा सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नौ ग्रहों से संबंधित परेशानियों को कैसे दूर करें। पंडित जी, अगर किसी को शनि से संबंधित परेशानी हो तो शनि की शांति के लिए क्या करें? अब जिस ग्रह के नाम से आप सबसे ज्यादा घबराते हैं, परेशान होते हैं, वो शनि है। शनि अगर आपको परेशान कर रहा है, शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया चल रही है, तो शनि को शांत करने के लिए सावन में क्या करेंगे? शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करिएगा, इच्छु रस। उसके बाद जल अर्पित करिएगा और उसके साथ नीले फूल अर्पित करिएगा। शनिदेव का जो बेसिक मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। और इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जला दीजिएगा।
सावन में किसी भी शनिवार की शाम को अगर आप ऐसा करें तो आपकी कुंडली का गड़बड़ शनि, आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ शनि बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और शनि अगर बेहतर होगा तो शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या ढैया, इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि रविवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए? देखिए, हर दिन का एक स्वामी ग्रह उस दिन की विशेषताओं को देखते हुए बनाया गया है। अब जो रविवार का दिन है वो सूर्य का दिन है और सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, सूर्य सबसे ज्यादा वीक होते हैं पश्चिम दिशा में। इसीलिए अगर आप पश्चिम दिशा में रविवार को यात्रा करेंगे तो सूर्य के कमजोर होने की वजह से इसके बुरे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि रविवार को पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें। नौ ग्रहों की शांति सावन में अवश्य कर लीजिए शिव आराधना करके। पंडित जी, अगर किसी को राहु केतु परेशान कर रहे हो तो वो लोग सावन में क्या करें? अब जानते हैं राहु और केतु की शांति के लिए सावन में क्या करेंगे। इसके लिए शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिए, साथ में भांग और धतूरा भी अर्पित करिएगा। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा और केतु के लिए ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। शिव जी के मंदिर में एक नारंगी रंग का झंडा, नारंगी रंग का तिकोना झंडा या नारंगी रंग का ध्वज अर्पित करिएगा। सावन में किसी भी बुधवार को अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके राहु केतु का प्रकोप समाप्त होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई लापरवाही ना करें, पड़ोसियों के साथ विवाद हो सकता है, समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
मीन राशि, तमाम चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आपके रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, आज वाहन सावधानी से चलाएंगे। नंबर 8, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपको शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलेगी। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो लाल फल खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, मकान, जमीन, वाहन, आभूषण, तो लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि के लोगों के लिए। काम की रुकावटें दूर होंगी, करियर और जीवन में सफलता मिलेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को, बेवजह दुर्घटनाओं के और वाद विवाद के शिकार हो सकते हैं, तनाव और चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।